अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर में अभी तक सर्दियों की आमद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, लेकिन जनाब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि सर्दियों के अभी तक ना आने के बावजूद शहर में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। दिन में 3 मरतबा यहाँ पर गैस आती है, जो कि प्रॉपर प्रेशर के साथ यहाँ पर गैस आती है, लेकिन जनाब उसके बाद लाहौर के बेशतर इलाकों में ये रिपोर्ट किया जा रहा है या तो गैस आती ही नहीं है, और अगर यहाँ पे गैस आती भी है तो उस गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि एक कप चाय बामुश्किल यहाँ पर बन सकता है। सर्दियाँ हैं और बच्चों के लिए तो जनाब अब यहाँ पर सर्दियाँ आ चुकी हैं। गीज़र होता है पानी गर्म करने के लिए, लेकिन अब लगता यूँ है कि गर्म पानी से नहाना सर्दियों में अब यहाँ पर एक लग्जरी बनता जा रहा है। मैं अभी मियां हमाद अज़र साहब के हलके में मौजूद हूँ, जो कि वज़ीर तवानाई हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े जो है यहाँ पर वादे किए जाते हैं, लेकिन जनाब गर्मियों में बिजली नहीं आती और सर्दियों में यहाँ पर गैस नहीं आती है। मेरे साथ अभी इस टाइम आप यहाँ देख सकते हैं कि इलाका मकीन भी मौजूद हैं और मैं अभी यहाँ पर समनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। ये सारी की सारी खवातीन वो खवातीन हैं जिनको अभी इस टाइम घरों के अंदर खाना पकाना चाहिए, लेकिन ये सारी खवातीन मर हजरात अपने घर से इसलिए बाहर है क्योंकि जनाब यहाँ पर गैस नहीं आती है। लेकिन एक अच्छी बात है वो आपको दिखाते हैं, जरा साइड पर होइएगा। एक अच्छी बात वो यहाँ पर यह है कि ये गैस के मीटर्स तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इन गैस के मीटर्स के लगने के बावजूद लोग इन सिलेंडर्स को भरवाने जा रहे हैं। एलपीजी भी जनाब महंगी हो गई है, लकड़ी महंगी हो गई है सबसे बढ़कर। 500 रुपये मन लकड़ी यहाँ मिल रही थी पिछले साल, अब वही लकड़ी यहाँ पर तकरीबन 800 रुपये मन तक यहाँ पर जा चुकी है। हुकूमत ने बिल आखिर यहाँ पर तैयारी क्यों नहीं की? गैस कहाँ जा रही है? ये इलाका मकीनों को गैस कैसे मिलेगी? बच्चे क्या खाएंगे? खवातीन क्या करेंगी? ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चले जनाब कि इस मरतबा सर्दियों में लगता यूँ है कि गर्म पानी से नहाना धोना करना, मुँह हाथ धोना, लगता यूँ है कि ख्वाब शायद बंदा चला जाएगा। चले वो तो एक बात की बात है, लेकिन जनाब रोटी कैसे पकेगी, खाना कैसे खाएंगे, जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ को चल दिए? ये काम से घर आया हूँ, गैस आ ही नहीं रही। कितने दिन हो गए गैस, अभी सर्दियाँ भी नहीं आई और गैस इन्होंने लोड शेडिंग कर दी है, तो हम बहुत परेशान हैं। ये अभी गैस भरवा के आया हूँ, 220 रुपये किलो गैस है, हमारे अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। आप क्या काम करते हो? मैं चिकन रोस्ट का। अच्छा जी, उधर हमारी लेता तंदूर के साथ गैस है। हाँ। तो ये घर गैस भरवाने आया हूँ, बच्चे भूखे अभी स्कूल से आए हैं, तो उस वजह से मैं घर आया हूँ काम से। भाई मुझे बात बताओ, चलो गैस के मीटर तो यहाँ लगे हुए हैं, बिल भी शायद यहाँ पर आ रहे होंगे। जी बिल तो बहुत आ रहे हैं। अच्छा, तो गैस नहीं आ रही। तो ये अब ये सिलेंडर आपने 220 रुपए की 1 किलो भी आपने एलपीजी भरवाई है, ये कितना चल जाएगा? ये मेरे ख्याल से तकरीबन 2-3 घंटे चलता है। हाँ। तो ये भी ठीक नहीं, गैस आ रही है, हम बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं, तो इधर गैस आनी चाहिए। ये तो मेरे भाई आपका हल्का बड़ा और स्ट्रॉन्ग हल्का है। हमाद अज़र साहब यहाँ के वजीर हैं, यहाँ के एमएनए हैं, वो आप उनसे कुछ कहें ना कि भाई गैस तो मिलते ही नहीं है, हमें नहीं मिलता, आपको कहाँ मिलेंगे भाई? वही तो कह रहे हैं, जब वोट लेने थे तो इधर ही आते थे। हाँ। अब वो आते ही हैं जब से इलेक्शन जीते हो। गलियों में फिरे हैं हमाद अज़र साहब? जी हाँ जी। अच्छा। इन गलियों में पूरे समनाबाद में फिरे हैं। अच्छा, पूरे समनाबाद जी वोट के लिए आए थे, तो उसके बाद वो आए ही नहीं है, कभी शक्ल तक नहीं हमने देखी। शक्ल तक नहीं देखी। यहाँ पे एक और भाई भी मौजूद है, वो सिलेंडर कहाँ गया आपका? ये क्या भाई सिलेंडर? हाँ जी, आप बच्चे पकड़ेंगे, सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं, करना क्या आपने भाई जिंदगी में सिलेंडर भरवाने के अलावा? खाने के लिए। हाँ। खाने पकाने के लिए। आज सुबह से क्या खाया आपने? अभी तक तो नहीं कुछ खाया। अभी तक कुछ नहीं खाया। वो भाई कह रहे थे सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया। हाँ जी, 220 रुपए। आप क्या काम करते हैं? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको लगता है ये आपका गुजारा कैसा हो रहा है बगैर गैस के आजकल? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, गैस नहीं आ रही, कितनी परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ये खाली सिलेंडर्स यहाँ पड़े हुए हैं, खवातीन यहाँ मौजूद है, मर्द हजरात यहाँ मौजूद है, आए बात करते हैं। अम्मा क्या हाल है? शुक्र है लाला। ठीक है? ठीक है। कैसा काम कर रही है हुकूमत? ठीक, काम भी अच्छा करते। ये काम अच्छा कर रही है?
जो गरीबा काम है और गैस से आनी नहीं माँ जी की करना है तो ना आवे मैं की कर रहा हूँ। सलाम वालेकुम सर, बहुत ही काम क्यों क्या बुरा काम औरतों नु बाहर आना पै गया, इन्नी महंगाई कर दी, इन्नी 350 का क्यों है की खाए बंदा, गरीब हांडी तरन लगी 500 रुपये चाहिए कितों आए जी, हांडी तो तब पकेगी ना जब गैस आएगी, गैस तो आ नहीं रही। हाँ तो वही ना कि ना मार दे। आप क्या काम करती हैं? मैं सर्फ सेल करती हूँ। सर्फ सेल करती हैं, ये मुझे बताएगा ये गैस इधर आ जाएगा, ये बताएगा कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि घरों के अंदर गैस नहीं आ रही, आप ही जारी बात है जब आप घर जाती होंगी तो जब घर गैस नहीं आती है उसके बाद फिर आप कैसे गुजारा करती हैं? बाजार से भी लानी पड़ती है। तो आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि आप बाजार से ले आए? क्या करें, खानी तो है, जहाँ किसी ने दो रोटी खानी है एक खाता है इसी तरह। तो गर्म पानी वगैरह कैसे करते हैं बच्चों के? करते बच्चे ठंडे पानी से नहा लेते हैं। क्या करें जब खाने को वो कुछ नहीं बना सकते, गर्म पानी कहाँ से करें, ये आप बताएं। आप कौन से इलाके में रहती हैं? इसी इलाके में यही रहती हैं, तो यहाँ पे तो गैस आ ही नहीं रही है। हाँ तो यही है ना, यही है। सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा, ये तो हल्का है बड़ा जबरदस्त, जी जी, पूरा तहरीक इंसाफ यहाँ छाई हुई है, वजीर तवानाई यहाँ के MNA यहाँ पे भाई, हर दफा यहीं से इलेक्ट होता है PTI का, और कहीं से हो ना हो यहाँ से होते हैं। क्या बात है, गैस ना जैसे क्या आप लोगों को गैस, क्या ये गर्मी में भी नहीं आती है हमारे पास गैस, क्यों बस आती नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये यहाँ पे ये आलम है, अभी मैं आपके सामने जॉब से आया हूँ, ये बाइक से उतरा हूँ, आते ही मुझे घर से पहले मैसेज ये मिला गैस भरवा के लाएं। अब किधर चले जाएं, दो दिन नहीं निकालती, 2 किलो गैस भरवाएं 2 दिन नहीं निकालती, कहाँ से हम इतने पैसे लाएं, 22-23 हज़ार रुपया सैलरी है, उसे हम क्या करेंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे? 220 रुपया, पहले तो चलो काम चल जाता था 100 रुपया या 10 रुपये, 110 या फिर भी थोड़ा सा, अब तो हर चीज महंगी है, घी 450 रुपये किलो मिल रहा है, और कहाँ चले जाएंगे हम गरीब। अभी बात सुने, देखिए ये पहले नून लिख के भी दौर में ये मसला था, ये अब ज्यादा हो गया, अब तो गैस आती ही नहीं है, पहले तो ये था सर्दी में थोड़ा बहुत मसला होता था, अब तो गर्मी में भी नहीं आती गैस यार। तो ये मुझे ये बताया भाई, अब तो देखिए अभी तक तो लाहौर में सर्दियां लेट हो गई हैं, उसके बावजूद हमारे अपने घर में यह हाल है भाई कि रात को खाना पकाने का टाइम हो, रोटी पकाने का टाइम हो, तवा ही नहीं गर्म होता, रोटी नहीं पकती, कच्ची रोटियां उतर रही हैं। इधर भी ऐसे ही है, मैंने अभी सुबह 7 बजे नाश्ता करके ऑफिस गए, अभी आया हूँ घर से, पहले यही मिला है पैगाम, खाना पूछा है खाना बना है, पहले गैस तो भरवा के लाए। अभी कुछ भी नहीं खाया, तो इधर ही आ गया हूँ मैं। मैंने कहा मैं पहले इधर बात कर लूँ, फिर ये बात है कि ये 10 फुट नीचे गैस है इधर, इस इधर नीचे 10 फुट है, वो बिल्कुल आती नहीं है, बिल्कुल आती नहीं, इसको ऊपर पैप ऊपर आना चाहिए, बाकी जो सब मुल ही ले रहे हैं सिलेंडर 220 रुपए, सिलेंडर भरवाना तो कोई हल नहीं है ना। हाँ नहीं हल लेगा, मगर असि इन्होंने पहले ही उन्हें कहता 10-15 दिन हो गए कि 3 महीने गैस ही नहीं मिलनी, किधर जाइए, तो क्या करेंगे चाचा जी, ना मुंह हाथ कैसे धोएंगे, नहाएंगे कैसे, खाना कैसे पकेगा, तो बस वो बच्चे भी उवें चलेगा, जब किसी ने ठंडे पानी ना नहा लिया, किसी ने ना कुछ साढ़े को इधर ना ही रखन जोगे, बाकी ये जेडे गरीब अगे रोटी खा लेने हैं साड़ी, वो भी है ना खिंच लिए, वो भी खिंच ली ना। चाचा जी वैसे आटा ही बड़ा महंगा हो गया, चलो बंदा आटा जैसे ले आए, चीनी कितने चलेगी, ये आटा कितने चला गया। नहीं आपको क्या वजह लगती है गैस की लोड शेडिंग की, वजह आपके नजदीक क्या है, क्या वजह है, हुकूमत तैयारी नहीं कर सकी, वजह क्या हुई? इधर भी पैप ऊंचा हो गया, उधर भी हो गया, ये 10 फुट नीचे पैप है, मैं इस इलाके का काउंसलर भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये मरा और लगा हुआ वो। अच्छा। नहीं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत तैयारी नहीं कर सकी सर्दियों की? ये नहीं होगी बेटे, उन्नी तनखावा नहीं हो गया, उन्नी तनखावा ही नहीं है, जिन्नी महंगाई हो गई है, क्या कह रहे हैं, हुकूमत के पास प्लान ही नहीं है, किसी चीज का प्लान नहीं है, प्लान के बगैर गैस के लिए क्या प्लान होता भाई, गैस तो सारा साल आती है, पहले भी आती थी, अब बताएं अब गैस की लोड शेडिंग को क्या हो गया? मैम 3 मंथ पहले उन्होंने बता दिया कि गैस है नहीं, तो अब वो प्लान कैसे लेके चलेंगे? कैसे लेके चलेंगे? हाँ आप इधर हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो CNG है ना, इसको रोक लें, CNG स्टेशन से वो बंद करें। पंजाब में तो CNG भाई चलती भी नहीं है, लाहौर में तो CNG मैंने कभी देखी भी नहीं है, दूसरे इलाकों में जिस तरह मरी हो गया, एबटाबाद, ये सब माउंटेन एरियाज जो है उनमें वो सप्लाई होती है, मैंने खुद देखा CNG की बड़ी बड़ी लंबी, मैंने आई डिड विजिट,
आउट ऑफ सिटी। अच्छा, लेकिन वो सीएनजी बंद कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका ये इरादे में है, वो प्लान में है, वो बंद कर रहे हैं। आप ये बताएगा, ये आप बताएगा, ये आप लोग, मैं अभी आते हुए अंदर देख रही थी, सारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नामी गिरामी नाम है इस हल्के के। सबसे बड़ा नाम तो मियाँ हमाद अज़हर साहब का है। क्या मियाँ असलम इकबाल साहब का ये हल्का है? क्या आपके लिए क्या काम किया अभी तक उन्होंने? मुझे तो नजर नहीं आया वो, फिलहाल काफी देर होगी नहीं मुलाकात। इस इलाके में उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। गैस का मसला कौन हल करेगा? कोई भी नहीं करेगा, जब महाजर ने अपने खुद कह दिया है। गैस का बिल है किसी के पास यहाँ पर? हाँ होंगे, क्यों नहीं? गैस बिल्कुल आ सकता अपने घर से। हमाद अज़हर ने मीडिया पे बैठ के कहा है कि 3 टाइम गैस मिलेगी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ये हमाद अज़हर और इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के बड़े बड़े वादे करते थे और बड़े बड़े दावे करते थे। अब उनके दावे बातें किधर गई हैं? ये खातून जरा यहाँ पर आ रही है, इनसे जरा यहाँ पर जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गैस आ रही है आपके घर में? काम पे, काम से इतनी खास नहीं आ रही। तो क्या अभी जब अभी आप अभी बेखास अभी आप काम से आ रही हैं तो अब क्या पकाएंगी? गैस तो है नहीं घर में, बस यही वेट करते हैं किस टाइम में आए गैस। और काम, बच्चे नहीं भूखे रह जाते अगर आप वेट करती रह जाती? भूखे रह जाते हैं। हाँ, सिलेंडर है आपके घर में? नहीं, सिलेंडर नहीं है। फिर क्या करती हैं? कभी लकड़ियाँ जला लेते छत पे और अच्छा, कभी ऐसे ही। आपका घर कहाँ पर है? लकड़ियाँ भी चल रही हैं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई जनाब। ये यहाँ सूरत हाल है, लकड़ियाँ महंगी हो गई हैं, गैस तो वैसे पहले महंगी हो गई है, अब तो आती भी नहीं है। बच्चे भूखे हैं, खवातीन भूखे हैं, भाई बेचारे इधर आएगा ज़रा। ये भाई भी हमारे काम से आए थे और घर आती इनको पहला जो हुक्म जारी हुआ वो यही हुआ, भाई जाकर ज़रा सिलेंडर भरवा के लाओ। और लाहौर शहर में अक्सर मकामात पर आप जनाब यही सीन है कि लोग जो है सिलेंडर बाइकों पर रखे, कंधों पर रखे लोग यहाँ जा रहे होते हैं और लोग जो है यहाँ पर गैस डलवा रहे होते हैं। सिलेंडर भी महंगा हो गया है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हम यहाँ गली में बात कर रहे थे और मेरे भी हाथ में इस टाइम जो है सुई गैस के बिल्स भी मौजूद हैं। और बड़े मज़े की बात यहाँ पर यह है कि बिल्स भी यहाँ पर तकरीबन अच्छे खासे आए हुए हैं। ये एक सुई गैस का बिल है मेरे हाथ में, तकरीबन 1410 रुपये ये बिल आया है अक्टूबर के महीने का, और फिर ये फिर जुलाई अगस्त के महीने के जो बिल हैं, मतलब आप देखें ये सुई गैस के बिल वो बिल होते थे कि जब हमारे घरों में जब ये बिल आते थे ना तो हम बड़ा खुश होते, यार देखो यार 150 रुपये बिल आया है, 200 रुपये बिल आया है, 250 रुपये बिल आया है। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि सर्दियों में कभी गैस का बिल तकरीबन 300 रुपये से कभी ऊपर गया हो। लेकिन ये जनाब ये अक्टूबर और ये अगस्त के ये बिल्स हैं और ये हर बिल तकरीबन यहाँ पर 1400-1500 रुपये से यहाँ पर कम नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग के घर में मौजूद हैं और जाहिर बात है घर चलाना या खवातीन की जिम्मेदारी है और ये मैं समझ सकती हूँ। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये मैं समझ सकती हूँ, अभी आप जितनी अजियत से आप दो चार होंगी रोटी पकाते वक्त। घंटा हो गया रोटी चार बनाई है। हाँ। बच्चे रोटी रोटी मांग रहे हैं तो इतनी महंगी 220 रुपये किलो गैस। हाँ। एक दिन भी निकलता दो दिन गैस खत्म हो जाती है। और ये मैं ज़्यादा खाना भी चाहती हूँ और आप मिराज ज़रा दिखाइएगा, और ये कोई बात झूठ नहीं है और ये बात, ये चूल्हा भी नहीं जलता, मैं चला के भी दिखाती हूँ, मेरे हाथ में माचिस से पकड़ी हुई है। और आप ये देखें ज़रा, ये LPG का जो सिलेंडर है वो नीचे लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है ये आ रही है गैस। और ये देखें जनाब, मैं आपको देख रही हूँ बड़ी देर से आप एक ही रोटी सेकी जा रही है, गैस का प्रेशर ही नहीं LPG की। हाँ जी ऐसा ही है। क्या करना चाहिए जनाब आप बताए ना बाजी? ये हुकूमत को चाहिए ना। हाँ। कि गैस आए, पानी आए, ताकि बच्चे भी पेट भर के रोटी खाएं। जो कमाते हैं वही ये गैस वगैरह पे ये इस्तेमाल कर लेते हैं पैसे वगैरह, तो क्या हमने बनाना है, क्या खाना है, कुछ भी नहीं होगा। ये तो हमारा मुल्क डूब रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो रोटी तो आप पका रही हैं, ये बच्चों ने नहाना धोना करना है, ये कुछ ठंडे पानी के साथ गर्म तो होता ही नहीं है। गर्म होता ही नहीं है पानी, गर्म के साथ कैसे नहाएंगे? सिलेंडर पे तो नहीं ना हम इतना पानी गर्म कर सकते। तो बच्चे बीमार नहीं होते आपके? बीमार भी होते हैं, अभी ठंडे पानी के साथ नहाएंगे तो बीमार ही होंगे ना। लेकिन ये पहले तो गैस आती थी, और देखिए ना अब गर्म पानी से नहाना सर्दियों में कोई लग्जरी तो नहीं है, ये कोई अयाशी तो नहीं है ना, ये तो कोई ज़रूरत है। ठंड में तो आप गर्म पानी से नहाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके जो इधर जो लोग हैं, वज़रा है, मुशीर है, वज़ीर आज़म है, क्या कहेंगी? ये उनको चाहिए ना कि सबके बारे सोचें, ये अपना ना सोची जाए। हाँ। कि अपनी जेबें ये अपने बैंक भरें, सबकी जरूरत, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और अभी मैं ज़रा बताती चलूँ यहाँ पर कि अभी टाइम यहाँ पर तकरीबन 2 बजे
और ये भी नॉर्मली ये लोगों के घरों में खाना पकाने का या खाना खाने का या रोटी डालने का टाइम होता है। बाजी एक सेकंड जरा मुझे जगह दीजिएगा, मैं इसे दिखाना भी चाहती हूँ। ये वो चूल्हा है जो कि गैस का चूल्हा है यहाँ पर, और ये ना कहेगा कोई, अब ये हाँ कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब। अच्छा ये तो खुला ही हुआ था। अच्छा चले तो खुला ही हुआ था, चले कोई बात नहीं, गैस तो आती नहीं तो उसके अंदर कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। और कोई ये ना कहे कि जनाब हम झूठ बोल रहे हैं कुछ है। ये देखें, करीब आके दिखा दे महराज, ये देखें जरा, ये देखें जनाब, ये गैस यहाँ पर नाम की नहीं है। मतलब यहाँ हो ना ये हल्की सी, चलो गैस आ जाए, कुछ हो जाए, कोई चाय बन जाए, कुछ हो जाए, ये जनाब चाय के भी बनाने के गैस नहीं है। कुछ कहना चाहेंगी आप? चले फिर आप जाके रोटी बनाने की आप मेहनत आप करें, हम ज़रा आगे चलते हैं, आगे चल के प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि खातून खाना अपने घरों में कैसे काम कर रही हैं। ये किसी गांव देहात का मंज़र नहीं है जो भी आप यहां देख रहे हैं, ये शहर लाहौर का मंज़र है। लाहौर का बड़ा मारूफ इलाका है समनाबाद। ये उस घर के मनाजिर हैं यहाँ पर, जहाँ के जो MNA हैं वो ख़ुद, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, हमाद अज़र साहब, और वो ख़ुद वज़ीर तवानाई है यहाँ पर। लेकिन जनाब वो हम ऐसी तवानाई का यहाँ पर क्या करें, बल्कि मैं आज यहाँ सीख भी रही हूँ क्योंकि मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाना नहीं आता। तो ये अच्छी चीज़ है जो आप मुझे सिखा रही हैं कि आप पता मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़े घर जाके। हमारे घर में भी तो गैस नहीं आती ना, और अगर आती भी है तो उसका प्रेशर बड़ा कम होता है। अब आप ये मुझे बताएं, इतनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं यहाँ ये लकड़ी का चूल्हा जलाने में, बहन एक LPG का सिलेंडर मंगवा लो। क्या करें, पैसे ही नहीं होते, जाहिर सी बात है बच्चों के भी अखराजात पूरे करने हैं, तो ये लकड़ियाँ भी बहुत महंगी है, आटा घी भी बहुत महंगा, तो फिर मजबूरी के तौर पर ये तो करना ही पड़ेगा। भाई आप तो नीचे सिलेंडर भरवाने जा रहे थे, क्या हुआ, ऊपर क्यों आ गए? पैसे ही नहीं थे, अभी आए, उन्होंने बोला सिलेंडर भरवा के लाओ, मैंने कहा लकड़ियाँ जलाओ। हाँ जी, पैसे होते तो मैं सिलेंडर भरवाता। हाँ जी, आखिरी दिन है महीने के, तो अभी तो बिल, बिजली के बिल आए पड़े हुए हैं, वो भी जमा करवाने, इतने इतने 5,000 रुपया बिल आया हुआ, किसी को 5,000, 2-3 घर हैं हम इधर, तो भाई हैं सबको, किसी को 5,000 आया हुआ, मुझे ये 2,500-2,500 रुपया मुझे भी बिल आया हुआ। वैसे क्या करें, अब बिलों के बारे सोच रहे हैं, अभी गैस कहाँ से भरवाएंगे, अभी बिजली के बिलों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मेरे भाई, ये तो जैसे देखिए, जैसे बाजी यहाँ बैठी हुई हमारी, ये तो बड़ी एक बड़ा मुश्किल काम है रोज़ाना लकड़ियाँ जलाना। ये ऊपर से ये स्मोक का, इससे भी ये स्मोक होती है, तो अब हम क्या करें, हम अपने घरों में बीमारियाँ पाल रहे हैं। मैं देख भी रही हूँ बच्चों को खांसी बड़ी आ रही है आप लोगों की, क्या बात है? सर्दी लगी है स्मोक की वजह से, बाहर जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो धुआं वगैरह सब कुछ, फिर उनके हाँ जी पानी भी ठंडा है, नहला भी नहीं सकते बच्चों को, रोज़ तो नहलाने से रहें, जाहिर सी बात है सिलेंडर भी कभी कभार भरने हैं फिर, तो इस वजह से चले ठीक है जनाब। ये यहाँ सूरत हाल है, और ये देखें ये लकड़ी यहाँ जल रही है, अब ये जलती रहेगी यहाँ पर, ये कितनी देर अब आप इसको जलाएंगे? 5-10 मिनट में ये फिर बनेगी आग, फिर इसके ऊपर रखेंगे पकाने के लिए। हाँ। फिर पकते घंटा में भी चाहिए खाना। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, देखिए जैसे क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है लकड़ी पे खाना पकते हुए, सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अब देखिए अब जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब जैसे मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही है लकड़ी की, तो अब ये स्मेल जो है वो खाने के अंदर भी आती है? जी बिल्कुल जाती है स्मेल, वो उसकी महक सी सारी धुएं की वो जाती है, फिर वो पता चलता है कि ये लकड़ियों पे बका हुआ है। हाँ जी, तो बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं खाना, कहीं नहीं खाते बस, हाँ जी मजबूरी है, छोड़ देते हैं, ज्यादा हो जाती है तो छोड़ देते हैं, तो अगर नॉर्मली हो तो खा खू लेते हैं। हाँ जी, चले अब आप आज से आप दाल चावल अब यहाँ पका रही हैं, तो अब ये देखें जरा कि ये यहाँ पर जो है लकड़ी भी तो महंगी हो गई, वैसे महंगी हो गई, ये तो हम ले आते हैं उधर उधर से पकड़ के आते, कोई पड़ी होती है, ये देखे ना ये वो लगे होते हैं बोर्ड शोर्ड वगैरह, छिल भी लगे हुए अभी, तो खरीद के तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हाँ जी खरीद लें इसे। ठीक है जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है अभी इस टाइम लाहौर के इस घर में, बल्कि ना सिर्फ इस घर में, और यकीन करें ये हम कोई बहुत ज्यादा कोई, अच्छा पड़ी होती है उठा के रिक्शे में, अच्छा इधर आए ना जरा, और यकीन करें ये कोई स्पेकुलेशन से हम यहाँ काम नहीं ले रहे, और हम यहाँ पे कोई चीज़ें आपको उस तरह करके कोई चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना फैब्रिकेट करके, वो हम नहीं दिखा रहे। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, एक ये भी यहाँ किचन है, ये एक छोटा सा घर है, और इस छोटे से घर में तकरीबन 3-4 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पे मुझे कह रहा था कि चूल्हा भी आप लोगों ने उठा के रख दी है, कहाँ पर रहते का दिखाएं ना जरा चूल्हा, जब गैस ही नहीं आती, ये पैप भी लगा हुआ है, ये देखिए
ये पड़ा हुआ चूल्हा, गैस ही नहीं आ रही, क्या करें, किधर जाएं? आपके जो हलका है ये बड़ा इम्पोर्टेंट हलका है, ये तो ये मियां हमाद अज़हर साहब का हलका है, वजीर तवानाई है, क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर? कुछ भी नहीं, क्या करना है, ना सड़कें बनती ना गलियाँ ना कुछ, और ये गैस तो बिल्कुल ही नहीं आती, बहुत बुरा हाल हो गया घरों का, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, सिलेंडर में गैस डलवाने जाए तो 250 रुपये किलो गैस हो गई है। लकड़ियाँ ले के बाहर से सड़क से इकट्ठी करके ला के घर का चूल्हा जला रहे हैं, रिक्शा चलाते कितनी बचत हो जाती है, 250 रुपये किलो, 3 बच्चे हैं, वो जवान है, वो अभी पढ़ रहे हैं, उनकी भी फीसें हैं, और रक्षे की आमदन खत्म कर दी इसने, गैस बढ़ा के इसने, एलपीजी भी तो महंगी हो गई है, हाँ जी वही गैस की कीमत बढ़ा के ख़त्म कर दी कमाई उन्होंने, कि जो 1500 घर ले आता था इंसान, अब 200-300 बचता है घर में, तो भूख से अब तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया, एक टाइम पकती है तो 3 टाइम खा लेते हैं वही थोड़ी थोड़ी करके, बाकी बहुत मुश्किल वक्त हो गया, बड़ा मुश्किल वक्त हो गया, क्या कहेंगे हुकूमत से? बस यही कहेंगे, नहीं नहीं कोई अच्छी बात कर रहे हैं इसके अलावा, और इन्होंने की करना है, दिखाई ना जरा चूल्हा, ये देखे जनाब, ये लोगों के ठंडे चूल्हे यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं, ये लाहौर शहर का घर है। अच्छा बिल आ रहे हैं, बड़े मतवातर बिल आ रहे हैं, और ये देखे पूरे बिल तो बड़े रूटीन में आते हैं, वो तो जाहिर बात है आने ना भाई, और ये देखे हाँ जी, और आप देखें मैंने आज एक नई चीज़ सीखी, और वो मैंने नई चीज़ ये सीखी कि घी के खाली नहीं कोई बात नहीं, मैंने एक नई चीज़ ये सीखी कि घी के खाली शॉपर से आग कैसे लगाई जाती है। शुक्रिया तब्दीली सरकार आपका। चले बाजी आप खाना पकाएं, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गैस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल यहाँ मौजूद ख्वातीन का भी है कि क्या हुकूमत को नहीं पता था कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें गैस बहरान का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल का यहाँ पर ऐलान किया गया, और ये भी कहा गया कि सुबह दोपहर और रात के खाने के लिए तकरीबन 2.5-2.5 घंटे यहाँ पर गैस फराहम की जाएगी। लेकिन बाद जनाब उसके बाद यहाँ क्या होगा, बच्चों के लिए, बच्चों के नहाने के लिए गर्म पानी कैसे, बच्चों के नहाने के लिए यहाँ पर पानी कैसे गर्म किया जाएगा, बच्चों के दूध यहाँ कैसे गर्म किए जाएंगे, घरों में हांडी रोटी कैसे होगी, आइए ज़रा जानते हैं, हमारे से खवातीन भी मौजूद हैं, बात करते हैं। बाजी क्या हाल है? ठीक है बाजी, गैस आ रही? गैस आ ही नहीं रही। आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं वो? बच्चे मेरा एक बेंच लगा है, एक छोटा दुकान पे बैठ रहा है। बच्चे जब आते हैं घर पे खाना नहीं बनता होगा, क्या कहते बच्चे? बोलते ने कहते खाना नहीं बने, घर रह के भी खाना नहीं बन रहा, क्या गैस होगी तो पकावांगे ना। तो बच्चों के सामने बड़ा वो नहीं होता, दुख नहीं होता कि लोग रह की करे फिर बंदा, मजबूरी है, बाहर लोगों के घरों से धक्के भी खा के आना तो फिर भी गैस नहीं मिलती, की करे बंदा। आंटी तो नहीं ना जरा ये गैस बताएं, गैस नहीं आ रही, क्या करेंगे खान साहब की हुकूमत में, हो क्या रहेगी आखिर? तो की करिए, सिलेंडर ले आके बाल के लोटा पका के दे दिए, तो फिर कमा कुमा तो जानते ही नहीं। ये अभी मैं घर से अभी होकर आ रही हूँ, वो कहते हैं हमारे पास तो सिलेंडर के पैसे ही नहीं है, वो तो बेचारे लकड़ियाँ बाल रहे हैं, क्या करें? की करना की यह कोशिश है, सिलेंडर बाल लिया, अस लकड़ा तो अभी बाल दे, सिलेंडर ही लिया उन्हें, साढ़े लकड़ा बालने जगह नहीं, साडा उतला हिस्सा ना, तो कमरे में किचन च तो नहीं ना लकड़ा बालनिया, तो बड़ी मुश्किल है सानू, तो ठीक करवाओ गैस तो सानू आए। कौन ठीक करेगा ये गैस? आप करवाओगे के? मेरा नाम हमाद अज़हर है, करवाएगी हाँ। था करेगा इमरान, हाँ करेगा इमरान था। अरे बड़ी बुरी बात है, ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं ना, इस तरह ना कह रही है, कह दे ली मुल्क का बादशाह, इस तरह नहीं कह रहा है मुल्क का। आंटी कह रही है इधर आए, आंटी कह रही है इमरान खान मुल्क का बादशाह है। बादशाह असि भी बड़े बादशाह वहाँ, असि भी अपने घर के बादशाह वहाँ, वो मुल्क का बादशाह है। माँ जी वो गैस तो आती नहीं, क्या करे, क्या करे, सिलेंडर बाल आंदे, सिलेंडर बाल पकावा दे, बाल बच्चा दार है गोना, कितने भूखे मार लेने बच्चे? नहीं कोई नहीं भूखे मारने, पकावा दे ना, लकड़ा ही नहीं बाल दे, वही भी सिलेंडर बाल दे, रोज 300 गैस पवाई दा, रोज की 2 दिन लंघ रहे, माशाल्लाह टब्बर जो आया, टब्बर माशाल्लाह, नौकरियां दे किना जानो की करे, बिल आ रहे गैस के? नहीं आने पैने,
बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे ने, ओना बाली दा नहीं जिन्ना बिल आ जांदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਕੋ ਗੈਸ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਂਦਾ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਜਬ ਸਰਦੀ ਜਬ ਬੜੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰਾਂਠਾ ਆਉਣਾ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਕਾ ਸਕਨੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੁਜੀ ਇਹ ਬਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਖਾਂਡੀ ਬਕਤੀ ਹੈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੇ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਮੇ ਪੌਂਦੇ ਘੰਟੇ ਮੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪੇ ਵੋ ਹਾਂਡੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇ ਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सिलेंडर में घंटा डेढ़ घंटा लग ही जाता है। और रोटी कितनी देर में पकती है सिलेंडर के चूल्हे पे? ज्यादा तेरे ना बिल्कुल ही नहीं किसी काम आ दी होंगी क्योंकि रोटी फुल दी नहीं गई उन्होंने नपना पैंदा है तो कचुआई जी रोटी होंगी साढ़े। हाँ बंदे साढ़े खाते नहीं सवेरे तड़के उठनी है तो फिर मैं सारे नाश्ता बना के देनी ता कि ना गैस आती उस टाइम तो सिलेंडर तो मैनू आप भी नहीं सीधा खाता। जब घर जब आपके बंदे या बच्चे घर आते हैं और कभी खाना ना पकाओ तो आप लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं घर में? लड़ाइयाँ लड़ाई होती है, लड़ाई हो जाती है। सानू पका के दियो तो सिकार भी जाते टाइम ना रोटी नहीं पकी हाँ की कार दिया जे ऐसे बोलते हैं आदमी। हाँ जी क्या वो कहते हैं खाली बोलते हैं बच्चे भी बोलते हैं बीती कार देने होर बेस्ती होती है तो और की वो कहते हैं टाइम ना सानू पका के दियो असं कितों पका के दईए ये गल नहीं। और ये बात वैसे बिल्कुल जेन्यून है। मतलब ये देखिए माँ जी बात सुने एक आदमी है या बच्चा है आपका जो भी है सारा दिन बाद अगर वो घर से आया होता है भूखे पेट अब आता है हर एक की ख्वाहिश होती है घर आके गर्म गर्म खाना मिले। बात है कि नहीं है? फिर घर आके अगर आप उसको बताए हाँ जी अभी तो गैस नहीं आई अभी रोटी नहीं पकी अभी हांडी नहीं पकी तो बुरा तो फिर लगता है किसी होगा तो ठंडा सालन उन्होंने फड़ा देता तो अगो बीते घर दिन बोलते ने चुको इन्हों सुटो उधर है तो फिर सानू तो मुश्किल है ना जनानिया ने मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं शर्मिंदगी होती है ना पकाना है ये गल है। तो ये यहाँ सूरत हाल है गैस नहीं आ रही यहाँ पर इस इलाके में बिल्कुल प्रेशर नहीं है गैस का। जिन इलाकों में यहाँ गैस आ रही है उन इलाकों में यहाँ गैस का प्रेशर ही नहीं आता है। LPG का सिलेंडर 220 रुपए का हो चुका हुआ है और सारी बात है ये सारे गरीब तबका है रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं फिर खाते हैं लेकिन जनाब गैस नहीं आती। और सबसे ज़्यादा एक हाईलाइट आज के प्रोग्राम की है कि हमाद अज़र साहब का हलका है ये तो जनाब अपने हलके के लिए काम कर लें अगला इलेक्शन भी आने वाला है। हाँ जी हमाद अज़र साहब को ये हलका है तो ये आपके हलके की सूरत हाल है। वैसे हमाद अज़र साहब आपको भी आज का प्रोग्राम देखने की ज़रूरत है ऐसे तो पूरा मुल्क आपके पास है लेकिन ये अपने हलके की तरफ अगर आप अगर अपने हलके की तरफ अगर आप अगर अनायत करें तो आपकी वैसे बड़ी मेहरबानी होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें अल्लाह हाफ़िज़।